हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष नामदेव आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस पर। आज का हमारा टॉपिक समलैंगिक से है, तो इसमें अपन लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, किन्नर, हिजड़ा आदि सबका अध्ययन करेंगे। तो आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो बने रहिए आपके अपने चैनल मनीष क्लासेस और आपके अपनी वीडियो पर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लिंग, सेक्स यानी कि जेंडर। तो जेंडर बेसिकली आपने देखे होंगे दो, यानी एक मेल और दूसरा फीमेल। जबकि बात करते हैं तो ये अपना टॉपिक नहीं है, अपना टॉपिक है कि जो लिंग यानी जेंडर है इसके दो टाइप होते हैं, एक हेटेरो सेक्सुअल और दूसरा सेक्सुअल। एक हेटेरो सेक्सुअल यानी कि इसे विषम लैंगिक कहते हैं, दूसरा अपना है समलैंगिक यानी कि होमोसेक्सुअल। तो विषम लैंगिक जैसे कि आप सब लोग जानते होंगे, मेल और फीमेल यानी दोनों दोनों के लिंग कैसे हैं, विषम है। या कह सकते हैं कि जो मेल है वो फीमेल की तरफ अट्रैक्ट होता है, यानी कि अट्रैक्शन उसका जो है फीमेल की साइड होता है। ऐसे जो फीमेल होती है उसका अट्रैक्शन किसके साइड होता है, मेल की साइड होता है। तो इन दोनों के जो लिंग है, या कह सकते हैं कि पेनिस और वेगिना, तो इन दोनों की जो लिंग है वो विषम है, यानी इन दोनों का जो अट्रैक्शन है वो कैसा होता है, विषम होता है। तो इसे कहते हैं विषम लैंगिक या हेटेरोसेक्सुअल। अब आज की बात करते हैं तो अपना टॉपिक है समलैंगिक, समान लिंग, या कह सकते हैं कि जनन अंगों के मध्य संबंध या अट्रैक्शन। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। समलैंगिक का मतलब होता है कि समान लैंगिक यानी कि लिंगों के मध्य अट्रैक्शन। जैसे कि इसमें बहुत से टाइप आते हैं, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर और यहां सबकी इंटरसेक्स। तो पहला टाइप अपन इसका देखते हैं लेस्बियन। तो यह क्या होता है, तो समान लैंगिक या कह सकते हैं कि समलैंगिक या समान लैंगिक अंगों के मध्य क्या होता है, अट्रैक्शन, उसे क्या कहते हैं, समलैंगिक कहते हैं। यह एक मानसिक बीमारी है, इसे भी कोई कुछ लोग बीमारी भी कहते हैं और कुछ लोग बीमारी नहीं भी मानते हैं। तो यह क्या है कि यह एक मानसिक या फिजिकली भी कह सकते हैं क्या है, बीमारी है, कुछ लोग नहीं मानते हैं। जैसे कि एक यहाँ पे आता है, इसकी टाइप है लेस्बियन, पहला टाइप है लेस्बियन। तो इसमें क्या होता है कि फीमेल फीमेल के प्रति अट्रैक्शन होती है, जो फीमेल है उसका अट्रैक्शन कहाँ होता है, फीमेल के प्रति होता है, उसे मेल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है, तो उसे कहते हैं लेस्बियन। अगली बात करते हैं दूसरे नंबर की, गे की। इसमें क्या होता है, तो जो गे है ये बेसिकली मेल में होता है, उसमें क्या होता है कि जो मेल होता है उसको मेल के प्रति अट्रैक्शन होता है, उसको फीमेल में कोई इंटरेस्ट ही नहीं आता है, उसे क्या कहते हैं, गे कहते हैं। वैसे उसकी इन दोनों कंडीशन में क्या होता है कि कोई भी अपना संतान उत्पन्न नहीं कर सकता। ये लोग फिजिकल तो अपना संबंध बना सकते हैं, लेकिन इनमें क्या होगा, अब कोई मेल है तो वो मेल के साथ कैसे बच्चा पैदा कर सकता है, ऐसे जो फीमेल है वो कैसे पैदा कर सकता है फीमेल के साथ। तो ये लोग शारीरिक संबंध बना सकते हैं, लेकिन इन्हों में क्या होता है, बच्चे पैदा नहीं कर सकते, इसे कहते हैं लेस्बियन, जो कि फीमेल के मध्य उत्पन्न होता है, यानी फीमेल फीमेल के साथ संबंध बनाता है। ऐसे जो गे क्या है, तो ये इसका उल्टा है, यानी कि जो मेल है वो मेल के साथ क्या बनाता है, संबंध बनाता है। इसका अट्रैक्शन सेम कंडीशन पर होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समलैंगिक कहते हैं। अगली बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, तो उसका पॉइंट आता है बाइसेक्सुअल। इसमें क्या होता है, तो इसमें जो मेल होता है, बाइसेक्सुअल दोनों में होता है, बाइसेक्सुअल मेल और फीमेल दोनों में होता है। मेल यानी कि बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, जो मेल है उसको फीमेल फीमेल के साथ तो अट्रैक्शन रहेगा ही, साथ ही साथ उसको मेल के साथ भी अट्रैक्शन रहता है, तो इसे क्या कहते हैं, बाइसेक्सुअल। यानी कि दो गुण रहती है इसमें, जो मेल के साथ फीमेल वाला यानी ये तो कौन सा है, विषम वाला यानी हेटेरो वाला, और जबकि बात करते हैं मेल का मेल के साथ, तो ये कौन सा हो गया, गे वाला, यानी दो गुण है, तो दो गुण के साथ ही से बाई सेक्सुअल कहते हैं। सेम इसी प्रकार जो फीमेल होगी उसको फीमेल में तो इंटरेस्ट होता ही है, साथ ही साथ मेल में भी होता है। तो चलिए देखते हैं इसके बारे में। तो जैसे मान लो इसके फीमेल है, तो इसके साथ तो शारीरिक संबंध बनाएगी, तो ये कौन सी कंडीशन हो गई, लेस्बियन हो गई। साथ ही साथ जो मेल है इसके साथ बनाएगी, ये कैसी हो गई, सामान्य हो गई।
तो ये तो अपन ने देख लिया इसके तीन पॉइंट। अगली बात करते हैं चौथे पॉइंट की, ट्रांसजेंडर। चौथा पॉइंट है ट्रांसजेंडर, इसमें क्या होता है, इसमें हिरड़ा किन्नर या कह सकते हैं छक्के, इसमें जी सब आते हैं। तो इसमें होता क्या है, तो इसमें इनके जो गुप्तांग हैं वो विकसित नहीं होते हैं, इसे कहते हैं ट्रांसजेंडर या किन्नर कहते हैं। अगली बात करते हैं अपनी इंटरसेक्स, तो इसमें क्या होता है कि लिंग पेनिस और वेगिना दोनों होते हैं। इंटरसेक्स यानी कि इनमें मेल फीमेल कहना संभव नहीं है, इसमें मेल फीमेल बता ही नहीं सकते हैं, क्योंकि इनमें दोनों के गुप्तांग, दोनों गुप्तांग यानी कि कह सकते हैं कि पेनिस यानी कि मेल का गुप्तांग और वेगिना यानी कि योनि, दोनों के मेल फीमेल के गुप्तांग साथ साथ पाए जाते हैं। तो इनमें बड़ी ही कंफ्यूजिंग रहती है, कोई इन्हें बता ही नहीं सकता कि ये मेल है या फीमेल है, तो इसे कहते हैं इंटरसेक्स। अगली बात करते हैं, तो इसमें क्या है, जैसे कि इसकी बात करते हैं क्वीर, ये क्वीर क्या है, क्वीर में क्या होता है एलजीबीटीआई, तो इसमें क्या है, तो जैसा कि होमोसेक्सुअल या कह सकते हैं कि समलैंगिक का एक ग्रुप होता है जिसे क्या कहते हैं, क्वीर कहते हैं, यानी एलजीबीटीआई। एल का मतलब लेस्बियन, जी का मतलब गे, बी का मतलब बाइसेक्सुअल और टी का मतलब ट्रांसजेंडर और बात करते हैं आई की यानी कि इंटरसेक्स। तो ये अपना टॉपिक था जो आपको अच्छे समझ में आया होगा, अगर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका अलग से आपको सोल्यूशन दे सकता हूँ। अगली बात करते हैं टॉम बॉय की, तो टॉम बॉय क्या होता है, तो इस तरह की जो लड़कियां होती हैं तो उनमें लड़कों के गुण होते हैं, छोटे छोटे बाल कटाना, पैंट शर्ट या जींस पहनना, ऐसे टाइप के गुण होते हैं। अपन उन्हें टॉम बॉय नहीं कह सकते हैं क्योंकि बेसिकली सारी लड़कियां या मान लो ज्यादातर लड़कियां जैसे जैसे कपड़े पहनती हैं तो उसे टॉम बॉय नहीं कहते हैं, लेकिन बहुत सारे गुण लड़कों जैसे होते हैं, जैसे कि घूमना फिरना, उछलना कूदना और जैसे कपड़े बाल कटाना, उनके साथ घूमना, तो ऐसे टाइप के जो मतलब लक्षण होते हैं उसे टॉम बॉय कहते हैं। चलिए, तो अपना यहाँ पर टॉम बॉय भी कंप्लीट होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती तो इसे लाइक करें एंड आपके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब।